स्वस्तिक हिंदू धर्म के पवित्र चिन्हों में से एक माना जाता है और इसे सौभाग्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी अच्छे काम की शुरुआत स्वस्तिक से ही की जाती है और इस चिन्ह को गणेश जी, सूर्य तथा ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन इस बात को जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि इस चिन्ह को भारत के अलावा बहुत से अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत में स्वस्तिक का मतलब ही सौभाग्य होता है और हजारों सालों से इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोग करते आ रहे हैं। चाइना में वान, जापान में मांजी, इंग्लैंड में फिलफोर्ट, जर्मनी में हैकेनग्रेज, ग्रीस में टेट्रास्किलियन जैसे अलग अलग नामों से ये स्वस्तिक जाना जाता है। कुछ देशों में इस चिन्ह को उल्टा इस्तेमाल भी किया जाता है और उसे स्वस्तिक कहा जाता है। कुछ देशों की अगर बात हम छोड़ दें तो बाकी सभी देशों में स्वस्तिक एक धार्मिक महत्व रखता है। अगर आप लोगों ने थॉर मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाए गए ओडिन नॉर्डिक देशों में भगवान माने जाते हैं और ओडिन स्वस्तिक रूप में घूमते हुए विश्व पर नजर बनाए रखते हैं, ऐसी उन लोगों की मान्यता है। ताजिकिस्तान, जहाँ की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम है, वहां पर इसे राष्ट्रीय चिन्हों में से एक माना जाता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला ने भी स्वस्तिक का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट पर किया था। तुर्की के सुप्रसिद्ध शहर ट्रॉय में खुदाई के दौरान मिले बर्तनों पर भी स्वस्तिक का इस्तेमाल देखने को मिलता है। यही नहीं, ईस्वी सन 900 से 1000 के बीच सुप्रसिद्ध संस्कृति मिसिसिपी के अवशेषों में भी स्वस्तिक का इस्तेमाल देखने को मिला। ये तो आप जानते ही होंगे कि एडोल्फ हिटलर ने भी अपने नाजी झंडे पर स्वस्तिक का इस्तेमाल किया था। प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक रहे इस चिन्ह का उपयोग हिटलर ने नकारात्मक कार्यों में किया, इसी वजह से आज जर्मनी में स्वस्तिक के इस्तेमाल पर पाबंदी है। अमेरिका के लेखक स्टीवन हेलर ने तो स्वस्तिक और उसके महत्व पर एक पूरी किताब लिख डाली थी जिसका नाम था द स्वस्तिक सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन। अब सवाल यह है कि इन देशों में स्वस्तिक को इतना महत्व कैसे प्राप्त हुआ। कुछ इतिहासकारों की माने तो यूरोपियन लोग जब भारत आए थे तो वो इस चिन्ह के सकारात्मकता से प्रभावित हुए और अपने देश लौटकर उन्होंने हिंदू धर्म के इस पवित्र चिन्ह का इस्तेमाल करना शुरू किया। समय के साथ हिंदू धर्म का प्रभुत्व यूरोपीय देशों में कम होने लगा और उसकी जगह क्रिश्चियन धर्म ने ले ली। धर्म बदला लेकिन ज्ञान नहीं बदला। स्वस्तिक यूरोपियन देशों में अपनी छाप छोड़ ही गया और आज स्वस्तिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। तो ये है स्वस्तिक चिन्ह, जो एक ऐसी कड़ी है जिसने भारत जैसे महान देश को सारी दुनिया से जोड़ा। अगर आज का वीडियो देखकर आपको भारतीय संस्कृति पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।